नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खास बातचीत में आज बात करेंगे गांवों के विकास की। कहते हैं कि देश को विकसित होना है तो उसके लिए गांवों का विकास बेहद जरूरी है। अगर गांवों में विकास की बयार बहेगी तो गांव जो देश है उसका विकास अपने आप हो जाएगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए फूलपुर से बीजेपी ब्लॉक प्रमुख विपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। विपेंद्र जी, आप फूलपुर से बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख बने हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अब विकास को लेकर आपकी आगे क्या कुछ रणनीति है। जी, सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, विकास की कड़ी में मैं अपने विकास के लोगों के विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी में हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिस प्रकार हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का विकास जिस गति से चल रहा है, ठीक उसी प्रकार मैं अपने विकास खंड के समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जो भी कार्य हम लोग के लिए एक अति आवश्यक चीजें जो होती हैं, एक जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, इन सब पे हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम इस पर विकास करें। और एक अंतिम व्यक्ति तक हम लोग जो भी सुविधाएं अभी तक हमारी सरकार ने पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है और अभी तक जहां भी नहीं पहुंचे हैं हम लोग वहां पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई व्यक्ति भूखा ना जाए, कोई व्यक्ति बिना कपड़े का न रहे, बिना मकान का न रहे और शिक्षा से वंचित ना रहे, संचार की व्यवस्था उसके पास उपलब्ध रहे, स्वास्थ्य की सुविधाएं तो समय पर मिले, इस पर हम विशेष कार्य। अच्छा, कोरोना को लेकर के आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगा। कोरोना की दूसरी लहर अभी हालांकि खत्म नहीं हुई है, जब दूसरी लहर चरम पर थी तो किस तरह से तांडव था वो हम सब ने देखा था। अब विशेषज्ञ तीसरी लहर को लेकर के भी चौंका रहे हैं और चेतना के साथ इससे लड़ने की जो है वो भी कर रहे हैं कि बिल्कुल जागरूक रहिए और इससे लड़िए, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन कीजिए। लेकिन आपकी आवाज थोड़ा स्लो आ रही है। अभी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज आ रही है, थोड़ा स्लो आ रही है। अच्छा, तो कोरोना को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि कोरोना का दंश जब देश झेल रहा था, आपका ब्लॉक भी झेल रहा था, तो उस दौरान क्या कुछ काम आपके द्वारा किए गए वहां पर? जी, मेरे द्वारा बहुत से कार्य किए गए हैं और मेरी पार्टी ने समय समय पर हम लोग को दिशा निर्देश मार्गदर्शन कराते रहे हैं कि हमें समाज के लिए क्या करना है, हमें अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या करना है। जैसा कि आप समझते हैं, जैसा फर्स्ट टाइम लॉकडाउन में कोरोना ने जिस प्रकार विकराल रूप का दिखाया था, उस समय हम लोगों ने जगह जगह पे जलपान की व्यवस्था, लोग पैदल बहुत लोग आना पड़ा, तमाम समस्याएं हुई, मास्क की सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराया, लोगों को सैनिटाइजर वितरण करवाया, लोग जो भूखे रहे उन पर राशन वितरण का कार्य किया गया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है कि फ्री में, आप समझिए कि तीन तीन महीने का राशन फ्री में सारे लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य किया है। अच्छा, कोरोना काल में वैक्सीनेशन बेहद जरूरी बताया जा रहा है और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आप लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? वैक्सीनेशन के मामले में तो भाई कोई अपने भारत का, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं, दूसरे लोग भी अपने देश से इस चीज को सीख रहे हैं कि किस प्रकार हमारा देश भी, हमारे देश इस पर नियंत्रण पाया। अब आप समझिए कि हम लोगों ने हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के लोगों ने इतना अपनी सहभागिता निभाई, इतना समय समय पर जो रूल रेगुलेशन आते रहे उसका पालन करता रहा और आज हम लोग उस पे अन्य देशों की अपेक्षा और मैक्सिमम हम लोगों ने अपने कोरोना
कि जो महामारी आई उसको काबू पाया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने इतना लोगों में जोश और इतना मोटिवेशन का काम किया है कि जिससे हम लोग मजबूत हुए हैं। और उसके साथ साथ जो कोरोना वैक्सीनेशन का इस समय अभियान चल रहा है, हमारे पार्टी ने अभियान भी चलाया है और जगह जगह पे हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष वगैरह को भी इस कार्य में कैंप लगा करके वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया है और वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगे। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको प्रेरित करना, एडवर्टीजमेंट कराना, विज्ञापन के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से लोगों को कमेटी बना के जगह हर गांव में भेजना, इस कार्य के माध्यम से। अब आप समझिए कि जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की भी करना पड़ता था, अब रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मैं समस्त अपने क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि सभी लोग वैक्सीनेशन लगवाएं और खुद सुरक्षित रहें, अपने घर को सुरक्षित करें, अपने लोगों को जहाँ पे रहें सब एक दूसरे को सुरक्षा की भावना से। वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है, सभी लोग अपने देशवासियों। अच्छा, साल 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, आप ब्लॉक प्रमुख हैं, अगर ब्लॉक लेवल पर मैं बात करूँ तो क्या कुछ तैयारियां आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे सरकार की, हमारे प्रदेश की पार्टी की संगठन में हमारी लगभग सारी तैयारी हो चुकी है और समय समय पे अभी कार्य समिति की बैठक भी हुई है इस संबंध में, अभी जिला की भी होनी है। तो हमारे पार्टी समय पर अपना कार्य कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग भारी प्रचंड लोगों से प्रदेश अपना सरकार बनाएंगे। अच्छा, कल स्वतंत्रता दिवस है, इसको लेकर के आप देश को, जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कल देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, स्वतंत्रता दिवस कल है, इस मौके पर देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल संदेश देना चाहूंगा, मैं अपने विकासखंड के समस्त क्षेत्रवासियों, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधान एवं हमारे क्षेत्र के समस्त सम्मानित जनता जनार्दन और प्रदेश की समस्त जनता जनार्दन को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी स्वतंत्र रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना काल के इस महामारी में निश्चित रूप से अपने को सुरक्षित रखें, घर परिवार को सुरक्षित रखें और मैं आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विपेंद्र जी, एबी स्टार न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। ये थे विपेंद्र सिंह जी जो बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख भी हैं फूलपुर से। तो आपको बता दें कि इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर बात की, कोरोना के कहर को लेकर के बात की, जागरूकता अभियान को लेकर के बात की। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि ये अपने स्तर पर पूरा काम कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। खास बातचीत में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।